उल्लेख न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। उल्लेख न्यूज के द्वारा हमारे दर्शकों को बताते हैं कि ग्राम हितमपुर से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे अंकित कुमार पुत्र कीर्ता सिंह ने क्षेत्र की जनता से क्या कहा है। मेरे पिताजी का नाम कीर्ता सिंह है, माननीय के हितमपुर का रहने वाला। अच्छा, अभी 2022 के ग्राम पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, कुछ देखिए, मैं ग्राम प्रधान के पद के लिए खड़ा हुआ हूँ और लोगों ने मुझे समर्थन दिया। मेरे पिताजी को कहा कि आप चुनाव की तैयारी करें, हम आपके साथ हैं। आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं? ये क्षेत्र की समस्या बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले पानी की समस्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य की भी समस्या है, और नाली सड़कों की बहुत समस्या है। अच्छा, देखिए, जीतने के बाद जनता मुझे अगर मौका देती है तो जीतने के बाद सबसे पहला मेरा मुद्दा शिक्षा का होगा। शिक्षा के लिए हमें यहाँ एक इंटर कॉलेज चाहिए, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए औरंगाबाद जाते हैं। और दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य का, एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है, कोई शिक्षा का मतलब स्वास्थ्य का कोई छोटा वो नहीं है यहाँ कुछ भी। और समस्या है और सड़कों की, नाली की, और जैसे कूड़ा उठाने वाला आता है यहाँ, मतलब हर गांव में आते हैं प्रधान के माध्यम से, तो हमारे यहाँ कोई नहीं आता। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है यहाँ। 5200 वोट है आने के हितमपुर में। अभी पता लगा था कि आपको इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। जी, हमें आने की हितमपुर की सम्मानित जनता ने कहा है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपको मौका देंगे। अगर जीत की बात करें तो जीत के लिए क्या दावेदारी है? देखिए, जीत के लिए दावेदारी यह है कि ये जीत हमारी नहीं, ये सभी सम्मानित जनता की जीत होगी। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं ही हितमपुर से बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि आप इधर आए हैं, मतलब इंटरव्यू वगैरह के लिए, जो भी प्रधान हमने, जो हमारे प्रत्याशी खड़े हैं अंकित भाई को हमने खड़ा किया है कि एक नए युवा जो फील्ड में आएंगे तो अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे उत्सव वो करेंगे। और उम्मीद भी है क्योंकि जो इनके पिताजी हमारे साथ बहुत पहले से रहते हैं, काफ़ी उन्होंने काम किए मतलब इस क्षेत्र में बिना किसी पद के भी। अब जब पद आ जाएगा तो फिर तो पता नहीं कितने काम करेंगे गांव के लिए, उधर आने के लिए भी, मतलब जहाँ जहाँ जो भी समस्या उन समस्या को पहले तो हल कर रहे। जो कुछ बड़ी समस्या होगी जब कोई पद आ जाएगा तो फिर उन समस्या को बाकी में हल करेंगे। पिछली योजना में जो प्रधान रहते हैं उनके गाँव में तो कुछ भी नहीं, उधर करा होगा तो पता नहीं है, पर हमारे गाँव में कोई ऐसी योजना ना तो उन्होंने लगाई वगैरह, पानी वाणी नाली कूड़ा देखो आप सामने देख सकते हो कितना, जब भी लगाते हैं JPC लगाते हैं, ट्रोल में भरते हैं, उधर पहुंचाते हैं। बाकी अगर ये ना उठाओ ना हफ्ते में तो यहाँ इतनी गंदगी हो जाएगी कि रहना ही भारी है। वो इतना मुझे बिलोंग करते हैं और ग्राम पंचायत में ग्राम बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल किसी तरह के कोई, एक तो मेन चीज़ है शिक्षित, और एक इनके अंदर कोई भी किसान नहीं। आजकल की पीढ़ी देखिए छोटे से ही ना नशे की आदतें हो जाती हैं, और लड़का बिल्कुल सही है, बिल्कुल किसी तरह का कोई वो नशा नहीं है, किस तरह का कोई और वैसी संगति में नहीं है। बहुत से बच्चे आजकल आपको पता ही, हर उल्टी सुलटी संगति में बैठते हैं, तो उसके लड़का सही है सब कुछ। हमने सब ने सहयोग करके बातचीत, एक मीटिंग बनाकर अंकित भाई को खड़ा किया कि ये खड़े होंगे, और उम्मीद भी है पूरा, मतलब समर्थन भी है पूरे आने के हितमपुर दोनों गाँव से हमें पूरा समर्थन मिलना, सहयोग मिलना, और अंकित भाई बिल्कुल अच्छी 100% जीत पक्की है।